जिले 2023-25 का सेशन है, फर्स्ट ईयर एग्जाम है आपका, वो आपका जून में होने वाला है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आज हम लोग कंप्लीट एग्जाम पैटर्न पे एनालिसिस करेंगे, उस एग्जाम में क्या पूछता है, कैसे पूछता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है। F1 से लेकर F4 तक, यानी कि समाज शिक्षा और पाठ से लेकर समाज F1 हो गया आपका, बचपन और बाल विकास F2, प्रारंभिक बाल अवस्था और देखभाल शिक्षा ये F3 हुआ आपका, और F4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास। इन चारों का जो एग्जाम पैटर्न है सेम है। तो पहले हम इस चारों के बारे में बात करेंगे, तो इन चारों में क्या है, 100 नंबर का पेपर लिया आपका, ठीक है। 100 नंबर में आपका ये 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है जो इंटरनल एग्जाम कॉलेज के हाथ में आपका, और 70 का आपका एग्जाम होने वाला 70 मार्क्स का, ठीक है। देखिए 70 मार्क्स है, ये आपका दो पार्ट में बटा हुआ, पहला आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए आपका 30 नंबर का है, ठीक है। इसमें आपको 12 क्वेश्चन रहेगा, आपको किसी 6 क्वेश्चन का आंसर करना है, देखिए सेक्शन ए है आपको 30 नंबर का रहेगा, इसमें 12 क्वेश्चन दिया रहेगा, और करके आपको 12 में से किसी भी 6 क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है, आंसर करना है, और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 5 नंबर का, ठीक है। तो आपको कम से कम तो 2 पेज लिखना है, उससे कम नहीं लिखिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। 12 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 6 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। और कम से कम आपको 2 पेज का आंसर लिखना है, इससे कम लिखे तो आपको नंबर कम मिलेगा। अब सेक्शन बी का बात करते हैं, सेक्शन बी आपका 40 नंबर का है, ठीक है। इसमें आपका टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, आपको आंसर 23 रहेगा, आपको किसी भी 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। आपका हर क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, और वैसे लिखा रहता है कि आपको 200 से 250 वर्ड में आंसर लिखना है, लेकिन आपको कम से कम तो 6 पेज आपका इसके आंसर लिखना पड़ेगा। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, एक इसके आपको 6 पेज का आंसर लिखना बहुत जरूरी है, उससे कम नंबर लिखिएगा ये आपका। और ये जो पैटर्न ये चारों के लिए सेम है, F1 के लिए, F2 के लिए, F3 के लिए और F4 के लिए। इस चारों जो है 100 नंबर का आता है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और 70 नंबर का एक्सटर्नल आपका। तो ये आपका पैटर्न है, सेक्शन ए में 30 नंबर है आपका, 12 क्वेश्चन आएगा, आपको 6 का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन 5 नंबर देगा, तो 30 नंबर हो गया, और कम से कम आपको 2 पेज तो लिखना ही लिखना है, कम नहीं चलेगा। बी में 40 नंबर का आपका सेक्शन बी रहेगा, इसमें 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको किसी 3 क्वेश्चन का आंसर देना है आपका, और एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर रहेगा, तो कम से कम आपको 6 पेज लिखना है, 6 से 7 पेज तक आपको लिख सकते हैं, इससे कम मत लिखिए 6 पेज से। अब हम लोग बात करेंगे F5 से लेकर F10 तक का, ठीक है। जो 6 सब्जेक्ट है, इन सबका पैटर्न सेम एग्जाम का। देखिए J5 में क्या आपका दिया है, भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट। F6 में क्या है, शिक्षा में जेंडर एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य, जेंडर एंड इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। F7 में क्या, गणित का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी और मैथमेटिक्स। और F8 में क्या आपका, हिंदी का शिक्षण शास्त्र, दोनों आपका प्राइमरी लेवल का, ठीक है। F9 में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, और F10 में आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। इन चारों का जो पैटर्न सेम है, इन चारों 50 नंबर का पेपर, ठीक है। यह आपका F5, F6, F7, F8, F9 और F10, इन सब का जो पैटर्न है सेम, ये सब 50 नंबर के हैं। अब इसमें आपका 50 नंबर में 35 नंबर का आपका और ये 15 का डिवीजन है, ये आपका 35 का एक्सटर्नल एग्जाम होगा आपका, और ये 15 नंबर का आपका क्या है, इंटरनल है, ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये जो 15 नंबर है आपको कॉलेज से मिलेगा, ठीक है। तो ये 35 नंबर का आपको एग्जाम देना होगा। तो इसमें क्या पैटर्न है, देखिए इसमें भी सेम है, इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए
वन प्लस ए का बात करेंगे, ये आपका 25 नंबर का है, ठीक है, 25 मार्क्स का ही आपका, इसमें टोटल आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, आपको आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 5 नंबर का, यानी टोटल आपका 25 नंबर हो गया, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको लिखना है और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है, तो कितना का 25 नंबर, ये सेक्शन ए में है, और सेम 75 से 100 वर्ड है, ऑलमोस्ट आपको कम से कम तो 2 पेज लिखना पड़ेगा, इससे कम मत लिखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी का, सेक्शन बी आपका 10 नंबर का है, इसमें आपका टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आपको ओनली 1 क्वेश्चन आपको आंसर करना है, ठीक है, और ये आपका 10 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा, ठीक है, और ये भी कम से कम 6 पेज लिखना पड़ेगा आपको इसके लिए, इससे कम में आपका नहीं चाहिए, कम से कम 6 से 7 पेज लिखिएगा तो आपका सही नंबर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको आंसर लिखना कैसे है, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि आंसर जब लिखिएगा उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन वगैरह कुछ लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन दीजिएगा, ठीक है, आप प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। सेकंड नंबर बॉडी आएगा, क्वेश्चन का जो बॉडी उसमें आंसर है, बॉडी उसमें क्या लिखना है, जो आपको पूछा गया है उसको आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है, एक्सप्लेन करना, तो पैराग्राफ चेंज करते रहिएगा, पैराग्राफ आपको चेंज करना, ठीक है। तीसरा नंबर पर क्या आपको डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करना है, कोई डायग्राम्स बना दीजिएगा, कोई फ्लो चार्ट होगा या फिर कोई ग्राफ भी बना सकते हैं। चार नंबर पर क्या है आपका कंक्लूजन जरूर लिखिए, इसको भूलिएगा मत, ठीक है, कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है, और कोशिश कीजिए कि हैंड राइटिंग आपका होना चाहिए गुड हैंड राइटिंग, मेरी तरह खराब मत लिखिएगा, ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा आंसर से, तो आपका आंसर जो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं लेवल और एफ ट्वेल्व का, एफ लेवल में क्या आपका कला समेकित शिक्षा आर्ट ग्रेड एजुकेशन, ठीक है, एफ ट्वेल्व में क्या शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, ये दोनों पेपर है, ये भी 100 मार्क्स का है और ये भी 100 मार्क्स का है, ठीक है, तो 100 एफ इलेवन एंड एफ ट्वेल्व, ये दोनों 100 नंबर का है, 100 नंबर का एफ इलेवन और 100 नंबर का एफ ट्वेल्व, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, देखिए इसमें 60 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहेगा, आपका कॉलेज देगा, कॉलेज देगा, ठीक है, 40 नंबर का आपको एक्सटर्नल है, 40 नंबर का आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है, इस 40 नंबर में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन ए आपका 30 नंबर का, ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा यहाँ पे 12 क्वेश्चन रहेगा, 12 क्वेश्चन में आपको 6 का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 5 नंबर का, यानी कि 6 × 5 30 मार्क्स, ठीक है, 20 नंबर का हो गया, अब बचा 10 नंबर के लिए आपका सेक्शन भी आएगा, सेक्शन भी आएगा, ये आपका 10 नंबर का रहता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एक इलेवन का बात करें इसमें आपका 2 क्वेश्चन रहेगा और एक का आंसर देना है, ठीक है, और एफ ट्वेल्व में 3 क्वेश्चन रहेगा, एक का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है,
ये पैटर्न है आपका F11 और F12 का, 60 का प्रैक्टिकल है आपका और 40 का एक्सटर्नल है। 40 में देखिए तो 30 नंबर का सेक्शन ए है, इसमें 12 क्वेश्चन है, 12 6 का आंसर देना है और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, यानी कि 6 बजे 30 नंबर आपका सेक्शन ए हो गया और बी 10 नंबर का है, एक क्वेश्चन आपका आंसर देना है। F11 में 2 क्वेश्चन रहेगा, एक का आंसर देना है और F12 में 3 क्वेश्चन रहेगा, आपको एक का आंसर देना है, ये 10 नंबर का होता है। ये आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। Thank you.